Now I will shed some light on ethical challenges in work setting. First of all, I would like to talk about the government employment. The government employs mental health professionals on many levels and in all the branches. These individuals serve at municipal level, state level, federal levels, and have roles in legislative, judicial, and executive branches. Now, you see that government has such branches. Where चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं जहाँ जुडिश्री के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं बहुत सारे इनमेट्स जो हैं उनके बिहेवियर्स उनकी ट्रेनिंग के लिए जो है वो साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं फिर गवर्नमेंट जो है इसी तरह एयर लाइन के अंदर जो है असेसमेंट के लिए हायर uh, करती है फिर आर्म फोर्सेस के साथ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं सो दे आर द डिफरेंट लेवल्स वे वी सी दैट साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग एट टाइम तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट्स सोशल रिफॉर्म्स ला रहा होता है उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ डिफरेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इशूज एंड इशूज एंड थिंग्स लाइक दैट वर्किंग फॉर गवर्नमेंट इन्वॉल्व अप होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट डिग्री टू पब्लिक ट्रस्ट बाइ पोटेंशली फॉलिंग अंडर हायर डिग्रीज ऑफ पोलिटिकल प्रेशर्स जब आप इस तरह के सनारी में काम करते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर बहुत डिफरेंट काइंड के प्रेशर्स हो सकते हैं वो बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं बिकॉज द पब्लिक एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू एंड एट टाइम्स

और उसके बाद आपके ऊपर एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है तो एट टाइम्स कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं विच टर्न आउट टू बी वेरी रिवॉर्डिंग बट समाइम्स दे द डिसीजन विच टर्न आउट टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जैसे हम लोग देखते हैं कि जब डेथ सेंटेंस के लॉ की बात होती है तो साइकोलॉजिस्ट आर फ्रिक्वेंटली बींग टेकन ऑन बोर्ड कि आप बताएं कि डेथ सेंटेंस दी जानी चाहिए या नहीं जिन कंट्रीज में दी जा रही है उसकी साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशनस क्या हैं हमारे कंट्री में उसकी साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशन क्या हैं इसको बैन करने का क्या फ़ायदा है हाउ इट इज़ रिलेटेड विद वायलेंस हाउ इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स एंड थिंग्स लाइक दैट वहाँ पर एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में आ, अपना जो चैलेंजिंग रोल है वो एक साइकोलॉजिस्ट को प्ले करना पड़ता है इसी तरह जब हम लोग डिफरेंट लॉज की बात करते हैं जैसे रेप विक्टम्स के ऊपर लॉज बनते हैं वहाँ पर आ, सारी आ, जो चीज़ें हैं उनको सामने रखते हुए एक विक्टम जो है वो किस चीज़ से गुजरता है उसको सामने रखते हुए और प्लस ये कि आपके गवर्नमेंट के लॉज किस हद तक अलाउ करते हैं कि हम कितनी चीजों को इनकॉपरेट कर सकते हैं मेकिंग अ पॉलिसी सो एट टाइम्स दिस टू वर्ड्स अ काइंड ऑफ फ्रस्टेटिव एनवायरमेंट एज वेल एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल असिपल गवर्नमेंट हायर सारू एक्सप्लोर क्वेश्चन प्रैक्टिस अब एक कंपनी है Uh, उसने कहा कि जी हम ये एक्सप्लोर करते हैं बाय हायरिंग अ साइकोलॉजिस्ट कि क्या जो है वो रेसिस्ट एटीट्यूड जो है वो इंटरवीन कर रहे होते हैं जब हम किसी को हायर कर रहे होते हैं द एनासिस कन्फर्म दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव रेशल डिस्क्रिमिनेशन इज देयर यू हायर सम अब कंपनी के पास रिपोर्ट आ गई बट कंपनी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्चिंग दैट रिपोर्ट वो कहते हैं कि जी ठीक है अब हमने आपकी रिपोर्ट ले ली है एंड सेवरल मंथ हैज पार्ट पास्ट जो काम साद ने किया वो कहीं पर ओपन नहीं हुआ उसकी कोई रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं हुई वाई बिकॉज द कंपनी थिंक दैट इट इज़ वेल अहेड इन टाइम और हमें इस चीज को अभी लॉन्च करने की और लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं द कंपनी हैज देयर ओन स्टेक स्टेक्स वेन अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वर्क फॉर अ गवर्नमेंट एजेंसी देर इज नो लेस इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर दीज इशूज अब आपने काम कर लिया एज अ साइकोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट दे दी आपकी जो एजेंसी है आपकी जो वो गवर्नमेंट स्टेट है वो उसको ओपन नहीं करना चाहती सो यू जस्ट कान डू इट बाई योर ओन बिकॉज एथिकली आप अपने एज अ क्लाइंट आप बाउंड हैं कि आप उन चीज़ों को लोगों तक नहीं बताएंगे जो आपको कहने को नहीं बताई गई आपका काम सिर्फ रिपोर्ट बना के देना था वो आपने बना के दे दी नाउ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इशू इफ वन हैज़ असेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एथिकल कम्फर्ट और मे बी एक्सपेक्ट टू इंजॉय इन दिस जॉब अब कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि जब आप डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हुए रिपोर्ट्स बना के देते रहते हैं और वो रिपोर्ट्स आपको लगता है कि उस पर उस तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही बिकॉज ऑफ सर्टन डिलेज वो लॉजिकल भी हो सकते हैं उसके अंदर डिफरेंट पॉलिसीज का रोल भी हो सकता है तो एट टाइम्स उससे फ्रस्ट्रेशन होती है तो वी सजेस्ट कि अगर थोड़ी सी यहाँ पर लिबर्टी हो यहाँ पे थोड़ा जॉब फ्रीडम हो दैट यू कैन पॉबली डिस्कस योर जो रिजल्ट ऑफ द वर्क यू हैव डन इन फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग में भी या आप किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं तो वहाँ पे एक फ्रीडम की फीलिंग आती है और एक इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा हेल्दी तरीके से अपना काम जो है उसको परफॉर्म कर सकता है और वो उस वर्क सेटिंग को लेस चैलेंजिंग कंसिडर करता है रादर दैन कि उसका जो वर्किंग है वो एक क्लोज बॉक्स एक क्लोज फाइल की फॉर्म में फॉर अ मंथस जो है वो पड़ी रहे